वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई, एक बार फिर पोखरा में आपका स्वागत करते हैं। तो अभी इस वक्त भाई मैं हूँ पोखरा सिटी, और मैंने कल आया भाई और काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे पहुँचना। रात को मैंने पहुँचा, करीब बज गया था भाई 10 बजे। और अभी मैं हूँ भाई अपने होटल में, और मेरा होटल है ये, जब सामने आप देखेंगे भाई पहचान जाएंगे लोकेशन। ये है भाई पोखरा का सिटी सेंटर, ये है ये चौक, पृथ्वी चौक। पृथ्वी चौक भाई सिटी सेंटर है, और इसके जस्ट सामने उस साइड आपको भाई बस स्टैंड मिल जाएगा। अगर आप ये पोखरा बुक करना चाहते हैं यहाँ से कोई ट्रैवल गाइड के साथ, तो आपको मिल जाएगा भाई, वहाँ से तमाम सारे ट्रैवल वाले रहते हैं। और ये है भाई पोखरा का सिटी सेंटर, और यहाँ पर भाई आप अगर जाना चाहते हैं काठमांडू या फिर और भी बुटवल की तरफ जाना चाहते हैं, सनोली की तरफ, तो भी यहाँ से मिल जाएगा भाई बस। और ये पृथ्वी चौक सिटी सेंटर पोखरा का भाई, ये है नज़ारा भाई, ये देखे भाई, पता नहीं क्या भाई कौन है ये। और ऐसे मैंने सुबह से ही देख रहा हूँ भाई, ये वाला जो देख रहे हो ना भाई, इस तरह से लोग पैदल चलते, और ये देखे भाई, और ये थोड़ा छोटा गोल है भाई, भाई ये रहा होटल का कुछ किचन वगैरह, यहाँ है भाई खाने के लिए अगर कोई इधर, और इधर से भाई नज़ारा भी दिखाई देता बहुत ही खूबसूरत। ये देखें भाई, और भी मैंने आ गया बिल्कुल सेंटर पर, ये देखें। तो फिलहाल चलते हैं, अच्छा तो पी लिया था पहले, फिलहाल अब चलते हैं बाहर। तो ये रहा भाई कुछ ऐसे ही बाहर का नज़ारा, ये देखें ज़रा भाई, ये है भाई पृथ्वी चौक, ये है पृथ्वी चौक। और यहाँ से आपको मिल जाएंगे भाई, आपको जाने के लिए किसी भी जगह अगर जाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बस स्टैंड भी है तमाम सारे हर जगह का। ये भाई अभी धूप थोड़ा तेज हो गया है फिलहाल, और मुझे पीना भाई जूस, तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोई दुकान उसकी भाई। यहाँ जो है ना भाई, हर दुकान पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे हर दुकान पे आपको मिल जाएगा भाई शराब, बियर तो हर दुकान पे भाई। इधर दिखाई नहीं दे रहा भाई जूस की दुकान, ये देखें भाई इधर क्या चीज़ है। तो भाई ये जो है मुझे यहाँ मिली एक गोरखपुर की फैमिली, और ये इनके दुकान है, और मैंने यहीं से जूस पी लेता हूँ, और मैं जा रहा था उधर लेकिन से यहाँ दिखा मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ पे चेक किया जाए। अब यहाँ पे पीते हैं पहले जूस, उसके बाद में फिर मिलते हैं आपको। भाई जूस मेरा तैयार हो गया, इधर आ छोटा सा बच्चा, क्या हाल है बाबू, क्या नाम है? आयुष जायसवाल। तो ये मुझे पड़ा 100 रुपये का ये वाला गिलास, ठीक है वैसे ये जैसे इंडिया में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, और मोस्टली हर एक सामान वैसे ही मिलता है। तो फिलहाल भाई अब चलते हैं, मैंने पी लिया। और ये देखिए भाई, यहाँ का जो भाई ना पोखरा का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही बढ़िया भाई, ये देखे भाई इधर भी भाई बुलेट चलता है, ये देखे भाई, ये देखे भाई पल्सर, और पल्सर भी है बुलेट भी है, ये देखे भाई, और ये स्कूटी भी मिल जाता है भाई, वही सेम ये सारी गाड़ियाँ भाई इंडिया की इधर चलती हैं भाई, ये देखें। और ये मेरे सामने जस्ट आपको इधर भाई मिल जाएगा, ये देखें नेपाली बैंक लिमिटेड, इधर है पृथ्वी चौक, अभी हम इस वक्त पृथ्वी चौक पर। भाई एक चीज़ मैंने देखा कि हॉर्न लोग नहीं मारते, जो बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं या बस चलाते हैं, हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी भाई कुछ भी हो, यहाँ पर एक चीज़ है। और इंडिया में भाई कोई उधर से पी कोई इधर से पी, लेकिन से इधर पी पा का आवाज़ नहीं चलता है,
फिलहाल सिर्फ ब्रेक मारते हैं और कोई चीज़ नहीं, गियर लगाते हैं, ब्रेक मारते हैं। और ये देखें भाई, ये जो भाई इन्वायरमेंट तो ठीक ठाक है वैसे। ये देखें भाई, इधर इधर का माहौल देखें ज़रा। ये भाई साढ़े आठ बजे का भाई रश तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ जो है नेपाल में अक्सर लोग सवेरे मतलब सुबह में जल्दी उठ जाते हैं और रात के वक्त भाई बहुत जल्दी सो जाते हैं। बहुत मैंने आया 9:30 10 के आसपास हो रहा था और बहुत ज़्यादा सुनसान था यहाँ पर। और यहाँ सुबह में लोग चहल पहल बहुत जल्दी हो जाता है। इंडिया में इस तरह नहीं है, इंडिया में लेट तक जगते हैं भाई रात को। और यहाँ सुबह में वहाँ फिर सुबह में 10 बजे के बाद आसपास दुकानें सब अच्छे से ओपन होती है। लेकिन से अभी 8 बज रहा है भाई, अभी 8 बज रहा है और इस तरह का रस, ये देखें भाई 8 बजे का रस, ये तो हमें यकीन नहीं हो रहा इतने बड़े सिटी में भाई। ये देखें भाई, यही इससे पता चलता है भाई कि रात को भी मैंने देखा यहाँ पर बहुत जल्दी सो गए थे सभी लोग। और ये भाई रोड क्रॉस करना यहाँ पे बहुत टफ है भाई। यहाँ पे भाई औरतें भी चलाती हैं ज़्यादातर बाइक, और वैसे तो डर ही लगता है भाई, लेडीज से तो डर लगता है यार, कहीं ठोक ना दे भाई। कितना भी लंबे रहूँगा फिर भी उड़ा लेके चली जाएंगे भाई। इधर शॉप वगैरह भाई सब ब्रांड से ब्रांडेड शॉप इधर मिल जाएगा भाई। ये भी ये है भाई पृथ्वी चौक पे शॉप, तो भाई सारी खुल गए हैं भाई। ये देखें शॉप सारे खुल गए हैं भाई। और ये देखें भाई, ये कुछ ऐसा ही नज़ारा रहा भाई। और मेरा होटल भाई ये रहा ऊपर, ये देखें ये रहा होटल। और अब चलते हैं कास्की बुटवल गेस्ट हाउस। तो ये भाई बीच सेंटर पे है भाई, कॉर्नर पर, ये देखें। और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है, यहाँ से हमें हर जगह का मिल जाएगा भाई ट्रांसपोर्ट। हमें जाना ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, सारे बसें मिल जाएगी यहीं से ही हमें। अगर हमें बुटवल और सनौली की तरफ जाना रहेगा तो भी और भी वहाँ पे बस अड्डा भाई यहाँ के लिए भी मिल जाता है वहाँ से। फिलहाल अब इस वीडियो पे यहीं पर थोड़ा सा मेरा ये टूर रहा, फिर मिलते हैं आपसे हम बुटवल के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए भाई इंतज़ार करिए दूसरे वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।